मैं आपकी हिंदी टीचर सिक्स थर्ड लैंग्वेज का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। रफ्तार और समय, सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। पाठ का नाम है रफ्तार और समय। रफ्तार और समय, शीर्षक का अर्थ होता है, रफ्तार मतलब होता है स्पीड, और समय का अर्थ तो टाइम आपको सबको पता है। इस पाठ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समय, कोई भी समय इस पर डिपेंड करता है कि हम किसी काम को कितनी स्पीड से कर रहे हैं, इस पर हमारा समय डिपेंड करता है। यदि हम कोई काम जल्दी जल्दी करेंगे तो कम समय लगेगा, और काम धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब मैं लेसन पढ़ रही हूँ, लेसन पढ़ते हुए पाठ को समझाती हूँ। पाठ पढ़ते हुए, हुकुमचंद भागलपुर का रहने वाला था। वह बहुत कंजूस था। बस या रेल से जाने के बजाय वह पैदल ही जाता था। एक आदमी था जिसका नाम हुकुमचंद था। ये आदमी बहुत कंजूस था। कंजूस का अर्थ है कि जहां जरूरत हो वहां भी वो पैसे नहीं खर्च करता था। किस शहर में रहने वाला आदमी था, कहीं भी उसे जाना होता था तो बस या ट्रेन से जाने के बजाय वो पैदल ही जाता था। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, गुंडोर जाते हैं, तिरुपति, या फिर कहीं और जाते हैं, तो बस या ट्रेन या कार से जाते हैं। लेकिन ये आदमी बस या ट्रेन से नहीं जाता था, कहीं भी जाता था तो पैदल ही जाता था। तो एक बार इसे रामपुर शहर जाना था, तो वो पैदल पैदल चलना शुरू कर देता। पैदल पैदल का अर्थ है बाई वॉक जाना शुरू कर देता है। पैदल पैदल चलते चलते वह बहुत थक जाता है। पैदल चलना शुरू करता है, चलते चलते वह थक जाता है। और जो जिस रास्ते से वो चल रहा था, वो राह पथरीली थी, मतलब पत्थरों से भरी हुई राह थी, बहुत सारे पत्थर थे उसमें, और उसको चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो बहुत थक गया। थकने के कारण वो एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। बड़ा सा एक पेड़ था, उसकी शेड आ रही थी छाया में, उसमें जाकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए। उस रास्ते से एक किसान जा रहा था। ये किसान दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, ये किसान, किसान मतलब होता है फार्मर, जो खेतों में काम करते, खेत में काम करते, उनको किसान कहा जाता है, इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं। उस रास्ते से एक किसान जा रहा था, उसके कंधे पर हल था। हल मतलब ये देखो दिखाई दे रहा है, जिससे खेत जोतते हैं, खेत की मिट्टी को ढीला किया जाता है इससे। उसके कंधे पर हल था। वह बैलों को हांकता हुआ जा रहा था। बैल मतलब ये देखो बुलक कार्ट में लगे रहते हैं ना सामने, तो वो बैल बैलों को हांकता हुआ जा रहा था। बैलों को हांकता हुआ जा, हांकने का अर्थ है कि जब ये लोग जब बैलगाड़ी चलाते तो ऊपर यहाँ पर किसान बैठा रहता तो एक तरह की आवाज निकालता है, ऐसी आवाज निकालता है जिससे बैल आगे बढ़ते हैं। तो वो बैलों को हांकता हुआ जा रहा था। वह किसी भी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं कर रहा था। वह किसान बड़े आराम से जा रहा था और किसी भी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं कर रहा था, और वह बड़े आराम से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। गुनगुनाना मतलब करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने किसान को पुकार कर कहा, भैया मुझे रामपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये किसान, ये हुकुमचंद देख लीजिए, वो उसको बुलाता है और पूछता है कि भैया मुझे रामपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसान ने हुकुमचंद को सिर से पैर तक देखा। ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ गया कि इसको चलने की आदत नहीं है, इस व्यक्ति को चलने की आदत नहीं है। उसके माथे पर घबराहट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। माथा मतलब फोरहेड पर देखने से पता चल रहा था, उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह बहुत घबराया हुआ है और सोच रहा है पता नहीं अभी रामपुर कितनी दूर है, अभी मुझे और कितनी देर चलना होगा। उसे देखकर किसान ने कहा, भैया बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो किसान को देखकर उसने कहा, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हुकुमचंद ने कहा, भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे वहां रामपुर जाना है और मुझे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसान फिर से उससे कहता है कि नहीं भैया, आगे बढ़ते जाओ। ये सुनकर इसको बहुत गुस्सा आता है हुकुमचंद को, और वो बोलता है कि अरे भैया, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे कितना समय लगेगा जाने में, पर तुम ये नहीं बता रहे हो। तो किसान फिर भी बोलता है कि बढ़ते जाओ।
अब बहुत तेज गुस्सा आ जाती है इस हुकुमचंद को, तो बोलता है मूर्ख कहीं का, मतलब मूर्ख का अर्थ होता है फूल, मूर्ख कहीं का। कुछ ही दूर गया था कि किसान मूर्ख कहीं का बोलता है हुकुमचंद, और खड़े होकर फिर वो चलने लगता है, खड़े होकर फिर वो वापस हुकुमचंद चलना शुरू कर देता है। तो किसान पीछे से चिल्लाता है, क्या कहता है किसान पीछे से चिल्लाता है और कहता है कि रामपुर पहुंचने में तुम्हें 2 घंटे का समय लगेगा। यह सुनकर हुकुमचंद रुका, हुकुमचंद